मदन महल की पहाड़ियों पर स्थित यह है वीरांगना रानी दुर्गावती का किला। यह किला सिर्फ इतिहास के नजरिए से ही अहम नहीं है, बल्कि देश के लिए बलिदान की बेजोड़ मिसाल पेश करने वाली वीरांगना की अमर निशानी भी है। रानी की इस अनमोल धरोहर के संरक्षण और इसे पर्यटन स्थल के रूप में तब्दील करने के लिए योजनाएं तो ढेरों बनाई गई, लेकिन इन योजनाओं ने असल में कम और फाइलों में विकास ज्यादा किया। हालात यह है कि किले की हालत लगातार जर्जर होती चली गई। आज आलम यह है कि यहाँ हमेशा सन्नाटा पसरा रहता है। इसी का फायदा उठाकर शरारती तत्व यहाँ हमेशा महफिल जमाए रहते हैं। इसी वजह से पर्यटक भी यहाँ आने से कतराते हैं। संरक्षण के नाम पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस किले को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। किले के संरक्षण और विकास पर जब सिटी न्यूज ने जानकारी जुटानी चाहिए तो चौंकाने वाले तथ्य उभर कर सामने आए। सरकार चाहे भी तो किले के विकास के लिए एक ईंट भी रखने में भी असहाय है। सिटी न्यूज के हाथ लगे दस्तावेज पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि मुख्य किले को छोड़कर किले का ज्यादातर हिस्सा जिस जमीन पर बना है वह जमीन सरकारी नहीं बल्कि उस पर कुछ लोगों का मालिकाना हक है। राजस्व रिकॉर्ड में यह जमीन महाराजपुर के रहने वाले हरि सिंह, नारायण सिंह और पूरन सिंह के नाम पर दर्ज है। हैरानी की बात तो यह है कि इस ऐतिहासिक धरोहर पर निजी लोगों का मालिकाना हक आज से नहीं बल्कि 1908 से है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने कुछ साल पहले किले के संरक्षण के लिए एक पहल भी की। विभाग चाहता था कि किले के चारों ओर बाउंड्री वॉल बनाकर इसे और संरक्षित किया जाए, लेकिन उसके होश उस समय उड़ गए जब मुख्यालय ने जमीन के मालिकाना हक के कागजात तलब किए। सिटी न्यूज ने जब और छानबीन की तो पता चला कि पूरा किला बदनपुर इलाके का खसरा नंबर 192, 193 और 187 पर खड़ा हुआ है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नंबर 192 पर 0.065 हेक्टर भूमि के एक पत्थर पर मदन महल का किला बना हुआ है, जिसका मालिकाना हक भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के पास है। किले का ज्यादातर हिस्सा खसरा नंबर 193 पर बना है। इस खसरे की 1.287 हेक्टर भूमि पर घुड़साल और तालाब बना हुआ है, लेकिन इस भूमि की मलकियत सरकार के पास नहीं बल्कि महाराजपुर के हरि सिंह, नारायण सिंह और पूरन सिंह के पास है। यही हाल खसरा नंबर 187 की 0.551 भूमि का है। संस्कारधानी वीरांगना के बलिदान पर गर्व तो करती रही और उसके धरोहर की अनदेखी कैसे हो गई किसी को पता नहीं। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद जब सिटी न्यूज ने तहकीकात और आगे बढ़ाई तो पता चला कि सरकार यदि जमीन को मुक्त कराना चाहती है तो उसे 34 लाख रुपए चुकाने होंगे। कैमरामैन अमित सोनी के साथ पंकज शाह, सिटी न्यूज़।